अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़ान न्यूज़ हैदराबाद। नाज़रीन आइए डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर नज़र। शाहीन नगर में वाक़े उस्मान नगर में अभी तक पानी 5 फीट से ज़्यादा मौजूद है। वहाँ की आवाम काफ़ी परेशान है और आवाम ये दुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ के पानी को हटाया जाए, जो कि पिछले 100 दिन से ज़्यादा से वहाँ पर पानी मौजूद है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि 7 जनवरी से पहले वहाँ का पानी हटाया जाए। अभी वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन वहाँ की आवाम का कहना है कि वहाँ से पानी अभी नहीं निकाला गया है। वहाँ की आवाम का ये कहना है कि हमारा घर होने के बाद भी हम अपने घर से बेघर हो चुके हैं। आइए देखते हैं उस्मान नगर से ये खुसूसी रिपोर्ट कि वहाँ की आवाम को किस तरह से परेशानी हो रही है। सोलंग भाई, अभी देखे मैं पानी में क्या क्या, ये गंदा तक पानी है मेरा। अभी भी तकलीफ में हम लोग, पानी कब खत्म करते हैं हमारा। जल्दी राहत दियो हमारे को, घर में आए जैसा हम 4 महीना हो गया साहब जी, अब क्या खत्म बारिश हवा में देते क्या हमारे को राहत। जल्द से जल्द घर में आए जैसा, हम परेशान है यहाँ पर। देखे अभी मैं अभी निकल रहा पानी में से, ये हालत है पूरा। सुनिए आप आइए एक बार विजिट करिए, केसर साहब कौन है यहाँ के MLA लीडर जो भी है, हमारी हेल्प कर लीजिए। सुनिए बस काम हो रहा, सुनिए कोर्ट का जजमेंट आया पानी निकालने के लिए, बस एविडेंस जमा करे। हम क्या झूठे हैं यहाँ पर, झूठ बोल रहे हैं हम यहाँ पर, पानी में तकलीफ में हम लोग यहाँ पर। आपसे गुजारिश है जो भी है यहाँ के, कौन है यहाँ के मैडम MLA, कभी विजिट तो करें, हम देखे हम दर्शन नहीं करें हम उनके, कभी आगे करो हमारे दर्शन हमारी बस्ती में आके। सुने क्या पानी हटाइए साहब, मेहरबानी, बहुत परेशान है हम लोग। सुने जो भी देख रहे हैं वीडियो को, जो आगे तक बढ़ाओ, काम कराओ, हमारा राहत दियो, पूरे पब्लिक परेशान है, पूरे यहाँ के जो लोग जे। सुने थोड़ा न्यूज वाले आए, थोड़ा बात करो, आपके क्या तकलीफ है बोलो, क्या क्या परेशानी है बोलो आप लोग। कब से रह रहे हैं अम्मा आप लोग? आ जाओ बोलो, ऐसा ग्रुप में पूरों को आ जाओ, ऐसा पीछे आइए शाम में थोड़ा। कब से रह रहे हैं अम्मा आप लोग? जरा करीब में आ जाओ, करीब में आप लोग, बाहर आना था हम लोग, नहीं आते भाई, इधर से ले लो, यहाँ से आप इधर आइए भाई, वो सेट जी। मुसीबत से हम लोग पकाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कितने फैमिली है आप लोग? हम लोग 7 है, 7 फैमिली। अच्छा, तो ये शादी खाना में रखे, स्कूल में रखे बोलते हैं। गवर्नमेंट से कुछ मदद मिली आप लोगों को? गवर्नमेंट से कुछ मदद? नो हेल्प, सिर्फ बैतुल माल वगैरह मुस्लिम भाई अपने लिए हेल्प करें, उनका शुक्र गुजार हैं, बाकी के गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करी हमारे लिए। अब 2-3 महीने से यही रह रहे हैं आप लोग? तो फिर खाना पकाना कैसा चल रहा है आप लोगों का? अब वही इमदाद दे रहे लोग हमारे को, ऐसे अपने अपने जैसे हम दर्द लोग इंसान। गवर्नमेंट से तो कुछ भी मदद नहीं मिली हमारे जी, पीने का पानी वगैरह हर चीज सब वो लोग कर रहे हैं, कभी हम लोग ला ले रहे हैं, कभी जी मंगा के फिर पानी। भाई जरा चूल्हे का चूल्हा वगैरह भी देखते तो देख लो आप, थोड़ा बहुत पका ले कर लेके कभी थोड़ा हटिए इधर हटो बेटा, आप लोग रूमवा ग्रुप का भी ले लो वहां जाइए आप लोग चूल्हे करने से, वहाँ जाओ बच्चे पूरे आप लोग अभी तो आप लोग ओढ़ना बिछोना पूरा रहना आपका यहीं से। हाँ भाई, ये देखिए भाई, सैफ टू सैफ कॉलोनी वालों की तकलीफ, जैसा आज भी पानी आधा आदमी अंदर जा सकता, जैसा उतना पानी है, वैसा डीप पड़ते जा रही, तो आगे और डॉपन है, वही मकान है क्या भाई? क्या हो? हाँ वही दिख रहा, वही जा रहे हम। उतर रहा है।
आ जाओ भाई, जरा करीब आके बात करो। आइए भाई, आइए जरा, बोलिए भाई। खाली करने की कोशिश में आए आप भी, चावल कंबल बांटने चाहिए नहीं भाई? अरे भाई, जायजा लेने आए यहाँ का, गलियों में कम हो रहा, वहाँ कम हो रहा, यहाँ कम हो रहा, मेरे घर के अंदर बताया ना आपको, यहाँ भी और आगे नहीं गया मैं, रुक जाता हूँ। ये पानी का करो जो भी करते भाई आप लोग, बीवी बच्चे यहाँ दूसरों का ले रहे हैं, मैं जो है तो दिन में यहाँ फिर लेता हूँ, कपड़े वपड़े रख लिया हूँ, सर्दी में ठिठर जा रहा हूँ। अभी पानी 4 फीट उतरा बोल के बोल रहे हैं लोग, उतरा पानी आप देखे ना, मैं कितने पानी में था बड़े भाई, ये उतरा सो ये हाल है। अब क्या चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट से, क्या चाह रहे हैं? पानी उतार दे, ये जरा मेरे घर का हाल देखो भाई, पूरे सामान तीर रहे, पानी उतारो सबसे पहले भाई, मेरे पानी नहीं उतर रहा, मेरे घर का अभी भी भरा हुआ है, जा भी दरवाजा खोले कुछ करे वो रही। कितने दिन से ऐसा पानी है? 100 डेज हो गए भाई, 3 महीने के ऊपर हो गए, पूरे पहचानते देखो, सिराज है मेरा नाम, वो घर है मेरा, देख रहा हूँ भाई, ये देख सकते हैं भाई आप लोग, पूरा पानी सड़ गया है, इससे बीमारियां आ रहे हैं, एलर्जी हो रही लोगों को, कई लोग तो यहाँ नहीं है घर वाले, ये देखिए आप लोग। दो तीन दिन चार दिन जो है गया पानी, उसके बाद अब पानी फिट हरे हुआ है, 8 फीट पानी अभी भी है यहाँ पर। आज मैं ये घर में, ये गली में से आगे मेरा घर है, मेरा एक का घर नहीं है, कई घर है यहाँ पर, जा ही नहीं सकते वहाँ तक, उतना पानी उतना है वहाँ पर, आप देखो आप कैसा है पानी, और पानी में इतनी गंदगी हो गई, पानी में उतर ही नहीं सकते, पूरा गंदा पानी है, जरासीम बीमारियाँ सांपा बिच्छुआ सब कुछ है भाई पानी में। ये आपका मकान कहाँ है भाई? ये आगे जो जो दिख रहा नहीं जी, आप प्ले रहा है वो जी, वहाँ तो जा ही नहीं सकते अपन, और कई घर वाले तो चले गए यहाँ से, 4 महीने से पानी है भाई। आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरा भी मकान उधर गली में है भाई, वो जो बिल्डिंग खाली जो बताए ना, ये कौन सा एरिया है? ये उस्मान नगर साइफ 2 है साहब, ये जी ये मकान जो है ना मेरा, अभी कम से कम मेरे गले तक आता पानी उधर, और अभी ऊपर है क्या,